CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने माइनिंग सिरदार इलेक्ट्रिशियन डिप्टी सर्वाइवर असिस्टेंट फॉरमैन का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जॉब नोटिफिकेशन निकाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक की बात करेंगे, क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट होने वाला है, क्या क्या डेट्स और क्या क्या उसका एग्जामिनेशन फी होने वाला है और फॉर्म फिलअप कैसे होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोज़ यहाँ पर डालते रहते हैं ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो CCL ने माइनिंग सेदार, इलेक्ट्रिशियन, डिप्टी सर्वाइवर और असिस्टेंट फॉरमैन के लिए जॉब नोटिफिकेशन पब्लिश किया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसका फॉर्म कब से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या क्या एप्लीकेशन फ़ी होने वाला है। तो सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट डेट सब होने वाला है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका कब से फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। तो CCL का जो फॉर्म है वो 30 मार्च से ही CCL का ऑफिशियल वेबसाइट में अप्लाई किया जा रहा था, पर अब इसको सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में डाल दिया गया है, यानी कि 30 मार्च से ही आपका एप्लीकेशन जो है वो हो रहा है। इसके बाद हम बात कर ले तो इसका लास्ट डेट जो है वो 19 अप्रैल 2023 है, यानी कि 19 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और 19 अप्रैल तक ही अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका 5 मई 2023 को होगा। एग्ज़ाम का डेट आपको 5 मई दिया गया है। इसके बाद एडमिट कार्ड जो आपको आएगा वो एग्ज़ाम से पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, आपके ईमेल, मोबाइल नंबर या ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड के लिए नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो OBC कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी होने वाला है वो 200 रुपीज़ होने वाला है। इसके बाद जो ST और SC कैंडिडेट है उसके लिए 0 और जो PH कैंडिडेट है उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 है। आप जो अपना पेमेंट है वो थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन एप्लीकेशन फ़ी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट का। तो इसमें आपका जो 19 अप्रैल 2023 तक में आपका मिनिमम जो एज होगा वो 80 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी 19 अप्रैल तक में आपका 80 ईयर्स हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपका वो 33 से अधिक नहीं रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको एज रिलेक्शन जो है वो CCL के वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट और इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको लगेगा। तो हम आपको बता दें कि टोटल जो आपका पोस्ट है वो 230 पोस्ट है, जिसमें पहला जो पोस्ट है माइनिंग सिरदार इसके लिए टोटल 77 पोस्ट उपलब्ध है। इसका जो एलिजिबिलिटी होने वाला है वो आपका क्लास 10th मैट्रिक रहना चाहिए, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या सर्टिफिकेट इन माइनिंग सिरदार, यानी कि आपका क्लास जो 10th रहेगा वो माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ डिप्लोमा कंप्लीटेड रहना चाहिए या माइनिंग सिरदार का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और भी इसका जो एलिजिबिलिटी या डिटेल्स है वो आप नोटिफिकेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप इसका नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसका नोटिफिकेशन है। फिर जो दूसरा पोस्ट है वो इलेक्ट्रिशियन के लिए है, तो इसमें टोटल आपको जो 26 पोस्ट देखने मिल जाएगा। तो इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी होगा वो क्लास 10th मैट्रिक रहना चाहिए, कंप्लीटेड विद ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, यानी कि आपका मैट्रिक पास रहना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो पोस्ट है वो डिप्टी सर्वाइवर, तो इसमें टोटल 20 पोस्ट है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी आपका चाहिए वो क्लास 10th मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहना चाहिए विद माइन सर्वे सर्टिफिकेट, यानी कि आपका 10th कंप्लीटेड रहना चाहिए माइन सर्वे सर्टिफिकेट के साथ, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका जो सबसे लास्ट आ जाता है असिस्टेंट फॉयरमैन, तो इसमें टोटल आपका 107 पोस्ट है, 107 पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका रिक्वायरमेंट होगा वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग इन, तो आपका डिप्लोमा कंप्लीटेड रहना चाहिए एनी बोर्ड, यानी कि कोई भी बोर्ड आपका इंडिया से डिप्लोमा कंप्लीटेड रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो CCL का 230 पोस्ट के लिए यही शॉर्ट नोटिफिकेशन था। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहे योगी ऑनलाइन वेब्स, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।